बार फिर से आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबर पर। सिरोज में डाकघर के पोस्टमैन व कर्मचारी ने अपना काम काज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वही हड़ताल कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल के चौथे दिन हाथों में सख्तियों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, खूब जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि डाकघर में आईने दिन लोगों की पार्सल चिट्ठियां व अन्य सामान आता है। यदि समय के रहते इस हड़ताल को ख़त्म नहीं किया गया तो लोगों का नुकसान हो सकता है। सिरोंज के पोस्ट ऑफिस में यहां पर भारतीय ग्रामीण डाकघर संघ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। हम पूछना चाहेंगे उनकी क्या मांगे। सर, आज जो आप धरने पर बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी एक सूत्री मांग है, देश के अंदर 3.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनके लिए कमलेश चंद्रा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी रिपोर्ट बनी थी, जिन्होंने ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के वेतन भत्तों के बारे में पूरा मूल्यांकन किया था और अपनी रिपोर्ट डाक विभाग को सौंप दी। आज 18 महीने के बाद भी डाक विभाग ने और भारत सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उसकी रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र लागू हो, इस मांग को लेकर पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ की जो यूनियन है, उन्होंने 14 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। आज हड़ताल का चौथा दिन है और जब तक कमलेश चंद्रा रिपोर्ट लागू नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इससे तो काम बहुत प्रभावित होगा, जैसे वो भी काम बंद है आपका। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, जैसे तो रोकोगे तो उसके लिए सर्वोपरि है और हमने भारत सरकार को लंबा समय दिया है। बीच में हमने हड़ताल ना करते हुए दिल्ली में धरना आंदोलन किया और बार बार हमें ये आश्वासन मिला कि GDS कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में आ चुकी है और जल्दी से पास होगी, लेकिन 18 महीने के बाद भी GDS कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की है। अतः मजबूरी में आकर इस संगठन को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करना पड़ा। निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है, उसके लिए भी हम निर्देश करते हैं।